हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। 30 दिन की जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है उसमें मैं ये तीसरी क्लास लेके आई हूँ। आज हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ने वाले हैं, मतलब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें अब मैं पहले आपको एक चार्ट के द्वारा रिविज़न करवा दूँगी और फिर हम उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। चार्ट जो है, ये जो चार्ट है इसी प्रकार के 20 चार्ट आप ले सकते हैं हमारे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में जीके वित्तकांक्षा एप्लीकेशन से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं, या आप इंस्टा मोजो से भी चार्ट को ले सकते हैं, या आप मुझसे भी डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। 35 रुपये उस चार्ट का चार्ज है, इसमें आपको 20 चार्ट मिलेंगे। और ये हमारी तीसरी क्लास है, इसके पहले की दोनों क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें आपका पूरा साइबर सुरक्षा कंप्लीट है। 30 दिन की स्ट्रेटेजी जो हमारी में ये जो हम करवा रही हूँ, बस आपको यही पढ़ना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो सभी मैं आपको कवर करवा दूंगी। ये यूनिट 10 से संबंधित रहेंगे। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, आपने सभी जो एग्ज़ाम देते हैं तो सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग उसको बोलते हैं। एक पहले मैं इस चार्ट के द्वारा आपको बता देती हूँ। देखो ये पूरा चार्ट रहेगा, इस चार्ट से ये चार्ट आपको एग्ज़ाम टाइम में रिविज़न करके जाना है। चार्ट आप प्ले स्टोर से या इंस्टा मोजो से ले लीजिएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। आपसे पूछे कि यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो किसकी अनुशंसा पर हुई थी, तो ली आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर, डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि आयोग जो है वो 15-16 आयोग है और यूनिट 10 से बहुत सारे प्रश्न बनना है। जैसे कि पहले SC ST एक्ट वगैरह से बनते थे, एक्ट जो था पहले, तो आप देखते थे कभी कभी 22-23 प्रश्न भी बन जाते थे। तो मे भी पॉसिबल कि इससे भी यहाँ पे बन जाए, तो आप लोग ये भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो डेट, अनुच्छेद, ये सभी संबंधित चौथी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। किसकी अनुशंसा पर हुई थी? ली आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। अब आपसे पूछो कि जो यूपीएससी का वर्तमान स्वरूप कब आया था, जो वर्तमान स्थिति में है वो स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को, जब ही हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, तभी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान स्वरूप की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद हो गए होंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1926 को, किसकी अनुशंसा पर हुई, ली आयोग की अनुशंसा पर, वर्तमान स्वरूप कब आया, 26 जनवरी 1950 को। अब इसका संवैधानिक प्रावधान, मतलब जो यूपीएससी है वो संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। तो संवैधानिक प्रावधान में क्या लिखेंगे हम कि भाग 14 में, संविधान का जो भाग 14 है उसमें संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का वर्णन है। किस में वर्णन है? संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भाग किस भाग में है, तो संविधान के, जैसे कि 22 भाग है उनमें से भाग जो 14 है, 20 भाग में से भाग जो 14 है, 14 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। किन अनुच्छेदों में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक, किसमें? अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अब इसका आपसे पूछे संरचना क्या होती है, तो यूपीएससी की जो संरचना है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो संरचना है, मतलब यूपीएससी किन किन से मिलकर बना होता है, तो इसमें 1 अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं। यूपीएससी में क्या होता है, एक सेकेंड, तो क्या होता है कि संरचना में क्या होता है, 1 अध्यक्ष होते हैं और 10 सदस्य होते हैं। अब आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष पूरे हो जाएं या उनकी 65 वर्ष उम्र पूरी हो जाए, तो दोनों में से जो भी होगा वो इनका कार्यकाल रहेगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी पदच्युति। पदच्युति मतलब होता है कि कैसे ये अपने पद से विमुक्त हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले अपनी स्वेच्छा से पद, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन में भी दे सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस प्रकार से पद विमुक्त होते हैं या किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो ये स्वेच्छा से भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। इन्हें राष्ट्रपति भी हटा सकता है। किन आधार पर हटा सकता है? जैसे कि दिवालिया घोषित हो गए हों, शारीरिक या मानसिक इनमें अक्षमता उत्पन्न हो गई हो, पदावधि के दौरान वैतनिक नियोजन हो, पदावधि के दौरान दुर्व्यवहार हो, कदाचार हो, या उच्चतम न्यायालय की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भी इनको हटाया जा सकता है। अब पढ़ते हैं इनकी शक्तियाँ क्या हैं जो यूपीएससी के। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी विषय पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी MPPSC प्रीलिम्स की जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज तैयार हुई हैं वो आप हमारे इंस्टा मोजो से या आप हमारी एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। मेंस की नोट्स की भी PDF डली हुई हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो घर पे भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा 100 टेस्ट जो हमारे हैं जिसमें 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन है, ये 100 टेस्ट आप लगा लीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हुए हैं। तो ये 10,000 प्रश्न भी आप इसकी हार्ड कॉपी अपने घर पे मंगा कर भी कर सकते हैं, और घर सॉफ्ट कॉपी से भी आप मोबाइल में अगर पढ़ सकते हैं, लैपटॉप में आप पढ़ सकते हैं, तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आप लेकर टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये 10,000 प्रश्न आप ज़रूर ले लीजिएगा टेस्ट के, एक साथ आपको मिल जाएंगे, कोई ऑनलाइन टेस्ट आपको नहीं देना है। तो ये जो UPSC क्या काम करवाता है और इसकी शक्तियाँ क्या है, सबसे पहले ये संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। मतलब जो परीक्षाओं का आयोजन है, आपको पता ही होगा जो आप, क्योंकि आपने UPSC एग्ज़ाम के बारे में सुना ही होगा। तो ये संघ में की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। 2 या 2 से अधिक राज्य यदि संयुक्त भर्ती का आग्रह करें तो आयोग उनकी योजना बनाने में सहायता की, 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं, जैसे कि हमारा MP और छत्तीसगढ़ मिलके कोई एग्ज़ाम कराना चाहता है, तो वो UPSC को बोल सकता है कि वो उनको उनकी सहायता करें। किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य को सलाह प्रदान करता है। अखिल भारतीय सेवाएँ कौन कौन सी होती हैं, तो अखिल भारतीय सेवाएँ अलग अलग होती हैं। कौन कौन सी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सब उसको क्या बोलते हैं हम, IAS। इसका गठन कब हुआ, भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन हुआ था 1950 में। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी एग्ज़ाम होते हैं, तो सबसे पहला होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, जिसका गठन 1950 में हुआ था। दूसरी होती है भारतीय पुलिस सेवा IPS, जिसका गठन 1948 में हुआ था। तीसरी है भारतीय वन सेवा, इसको बोलते हैं IFS, जिसका गठन हुआ था 1966 में। तो पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 1950, भारतीय पुलिस सेवा IPS गठन कब हुआ था 1948, ये इनके सन भी याद रखिएगा। और भारतीय वन सेवा मतलब IF इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसको बोलते हैं, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ये UPSC है जो अपनी रिपोर्ट होता है, वार्षिक जो रिपोर्ट होता है, जिसको हम प्रतिवेदन बोलते हैं, ये किसको सौंपता है, तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। अब आपसे पूछें कि UPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रॉस वॉर्कर। कौन थे प्रथम अध्यक्ष, रॉस वॉर्कर थे। आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन रहे थे, आज़ादी के समय इसके अध्यक्ष थे HK कृपलानी। आज़ादी के समय कौन रहे थे, HK कृपलानी रहे थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, HK कृपलानी, याद रखिएगा। प्रथम विदेशी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष के लिए पूछे तो रॉस वॉर्कर लिखिएगा, और अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो HK कृपलानी थे। आज़ादी के समय के अध्यक्ष पूछे तो HK कृपलानी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी Rosemilian Mathew। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, Rosemilian Mathew थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष JM Qureshi थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष JM Qureshi थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष है अवरिंद्र सक्सेना। कौन से हैं, अविंद्र सक्सेना, याद रखिएगा। मुस्लिम अध्यक्ष JM Qureshi, अविंद्र सक्सेना वर्तमान, महिला अध्यक्ष Rosemilian Mathew, प्रथम रॉस वॉर्सर, आज़ादी के समय HK कृपलानी, प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी। एक चार्ट में आपको पूरा UPSC से संबंधित टॉपिक, इसी प्रकार के मेरे जो 20 चार्ट हैं आयोग से संबंधित, इसी प्रकार से कवर किए गए हैं, जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं। अब हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। सबसे पहला है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। क्या बोल रहे हैं कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस, आपको पता है कि 1926 में पहला बना था, तो उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मतलब जो भारतीय अधिनियम है, भारतीय संसद अधिनियम है 1919, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की। अभी हमने चार्ट में पढ़ा है कि ली आयोग में, तो ली आयोग कौन सा है, ये है, तो ऑर्थर ली आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने अभी चार्ट में पढ़ा है तो आप लोग खुद सोचिए क्या इसका आंसर होगा। तो लिए आयोग के अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा का गठन किस तिथि को हुआ? 1 अक्टूबर 1926। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये दोनों आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो जिन जिनको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं वो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पढ़ा है कि रॉस बॉर्कर थे। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष? अभी हमने पढ़ा है एच के कृपलानी थे। यूनियन पब्लिक सर्विस प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी हमने चार्ट में पढ़ा है रोज मैथ्यू थी। याद रखिएगा कौन थी? रोज वीडियो। इनमें से कौन लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? पीसी होता रहे हैं, माता प्रसाद रहे हैं, जेपी गुप्ता रहे हैं, अमर प्रताप सिंह कभी भी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। फिर है अगला, इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? पीसी होता रहे हैं, डीपी अग्रवाल भी रहे हैं, रजनी राजदान भी रहे हैं, अजीत सेठ नहीं रहे हैं। मैं एक वीडियो में जितने भी अध्यक्ष रहेंगे सभी आयोग के जब अब तक के वो करवा दूंगी एक ट्रिक द्वारा, तो इससे ये याद हो जाएगा। इनमें से कौन, फिर एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन नहीं रहे हैं? तो डेविड और सिमिलर भी रहा है, अलका सिरोही भी रही हैं, एस आर हासिम भी रहे हैं, पी के सिन्हा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी महिला लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं? मार्गेट अलवा कभी नहीं रही हैं, अलका सिरोही रहे हैं, रोज मैथ्यू, रजनी राजदान ये सभी रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये दो संघ लोक सेवा आयोग के जो अभी हैं वो अवनिंद्र हैं, ये पुराना है इसलिए उसमें उनका नाम नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? तो जिस भी आयोग का वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में किया है वो जो आयोग होता है वो संवैधानिक होता है। चूँकि इसका वर्णन 315 अनुच्छेद से 326 में किया गया है, अतः यह किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मेंस के नोट्स भी ले सकते हैं। मेंस की आपको 47 बुकलेट मिलेंगी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के पुराने पेपर हल सहित मिलेंगे। और इससे जब मेरे जो सभी नोट्स हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं, आप वीडियोज़ में पूरे रिव्यूज़ उसके देख सकते हैं। जैसा वीडियोज़ में दिया गया है वैसे ही मेरे नोट्स। इसके अलावा आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स की आपको टोटल 19 फाइल मिलेंगी। इन 19 फाइल में आपको 3 बुकलेट टेस्ट की मिलेंगी जिन टेस्ट में आपको 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन है। 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन मतलब आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट आपको 100 क्वेश्चन का रहेगा। ये टॉपिक वाइज और FLT दोनों हैं। अलग अलग FLT आपको इंडेक्स मिल जाएगा, आप उसके अनुसार टेस्ट लगा सकते हैं। इस टेस्ट की आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? 315 में तो अनुच्छेद में उसके जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका वर्णन है, और उसके जो सदस्य हैं उनको किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत हटाया जा सकता है। याद रखिएगा किसके तहत? अनुच्छेद 317 के तहत हटाया जा सकता है। लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है या अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति विमुक्ति सब राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति ही को ही आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नियुक्ति विमुक्ति प्रतिवेदन कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऑब्जेक्टिव कोई भी किसी पर भी टिक लगाना हो तो आप राष्ट्रपति ही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अवधि अभी हमने पढ़ा था 6 वर्ष या 65 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग की जेब अभी भी हमने पढ़ा 6 वर्ष या 65 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, बिल्कुल सही है। अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है, ये भी सही है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों तो सही हो जाएंगे। अगला है, अनुच्छेद 317 के तहत पद ग्रहण करता है, तो नहीं है। अनुच्छेद 317 के तहत हम उसको पद से हटा सकते हैं, पद विमुक्त है, ग्रहण नहीं है। तो चौथा वाला जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के कदाचार से संबंधित मामले पर सलाह देने के लिए राष्ट्रपति किसके पास जाते हैं? तो देखो, अगर यूपीएससी का कोई सदस्य है और उसका व्यवहार अलग है, उसका कदाचार के संबंधित कोई बात है, तो इस मामले पर उनको कोई सलाह की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति किन से सलाह ले सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा।
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानों के तहत यूपीएससी के सदस्यों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मदद लेते हैं? अनुच्छेद 145 किसके तहत लेते हैं? या अनुच्छेद अगर 143 भी आ जाता तो भी यहाँ पे अगर 45 की जगह 43 होता तो 43 भी आपका आंसर सही होता, तो 43 ही कीजिएगा। तो किस संघ लोक सेवा के सदस्यों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 145 के तहत लेता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को किस अनुच्छेद के तहत, अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 317। संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन किस में किया गया? याद रखिएगा, कृत्यों का मतलब संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य होते हैं उसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 322 के तहत। यूपीएससी के कृत्यों का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 320 के तहत किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है? 316। यूपीएससी का वर्णन है कि एक आयोग होगा, ये 315 में है, और उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल 316 में है। 317 में उसकी विमुक्ति का वर्णन है, ये चारों याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है किस अनुच्छेद के तहत? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है वो किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है? तो वो अनुच्छेद 323 के तहत सौंपता है। किसके तहत? अनुच्छेद 323 के तहत सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग इनमें से किस वर्गों की, संवर्गों की परीक्षा आयोजित करता? तो अखिल भारतीय सेवाएँ भी करता है, केंद्रीय सेवाएं भी करता है, केंद्र प्रशासित क्षेत्र के लिए भी करता है, लेकिन राज्य सेवा के लिए नहीं करता। राज्यों के लिए अलग आयोग होते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दो या दो से अधिक अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करना है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा ही होगी। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किसके उससे संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा? जैसे मैंने आपको बताया था, कार्य का, अध्यक्ष का, नियुक्ति का, विमुक्ति का, ये सभी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं यूपीएससी के। संघ लोक सेवा आयोग के लिए इनमें से कौन सही नहीं है? यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, सही है। ये इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसका पूरी तरह से लेना देना है, ऐसा नहीं है। जितने जो भी सिलेबस चेंज होता है, एग्ज़ाम के लिए सलाह ली जाती है, वो सभी इन्हीं के द्वारा ही ली जाती है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, ये भी सही है। इसके जो सदस्य हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग से ही लिए जाते हैं। ये राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं? तो देखते हैं, पहला है संघ की सेवाओं की परीक्षा का आयोजन कराना, हाँ बिल्कुल कराता है। दूसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर भर्ती के संबंध में सहायता करना, ये भी करता है। सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर काम करना, ये भी करता है। लोक सेवकों से संबंधित अनुशासनिक विषयों पर परामर्श, ये भी लेता है। तो ये चारों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग से किन विषयों पर परामर्श लिया जाता है? तो भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर लिया जाता है। दूसरा है सिविल सेवाओं में प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर लिया जाता है। नेक्स्ट है सिविल सेवाओं में एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए। तो ये तीनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में कब आयोजित की गई थी? 1922 में पहली बार जो सिविल सेवा की परीक्षा थी वो लंदन और इलाहाबाद में, मतलब इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जो वर्तमान है उसमें आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 1922 में की गई थी। नेक्स्ट है 1922 में संयुक्त सिविल परीक्षा कहाँ हुई थी? अभी अपन ने पढ़ा लंदन और इलाहाबाद में। नेक्स्ट है किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया? पहले उसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहते थे जब 1926 में इसकी स्थापना हुई, तो वर्तमान में जो उसका नाम है यूपीएससी संघीय लोक सेवा आयोग, ये किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको किया गया। इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में आती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा आती है, भारतीय वन सेवा, देखो भारतीय वन सेवा नहीं आती है, इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा भी आती है, पुलिस सेवा भी आती है और प्रशासनिक सेवा भी आती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चार्ट में इसको पढ़ा था। अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या 3 है, अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय विदेश सेवा है और भारतीय पुलिस सेवा है। संविधान लागू होने के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? R.N. बनर्जी थे। याद रखिएगा, कब संविधान लागू होने के समय यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान लागू होने के समय यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? R.N. बनर्जी थे। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को मिला के कितने सदस्य हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। सामान्यतः लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या कितनी होती है? 9 से 11 के बीच होती है। वर्तमान में 10 है, 9 से 11 के बीच होती है।
भारतीय वन सेवा का सृजन कब हुआ, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले चार्ट में कब हुआ था, 1966 में हुआ। भारत में सिविल सेवा का जनक किसको बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसको बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में क्या सही है, तो एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है। अध्यादेश द्वारा गठित, ये गलत है। इसमें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं, ये भी सही है। सरकार की सलाहकारी संस्था, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 1, 3 और 4, इसके आंसर हो जाएंगे। अध्यादेश द्वारा गठित ये नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हमने पहले चार्ट पढ़ा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये एक चार्ट के द्वारा इसके बाद सब ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो आपकी सभी जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलती रहे। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप है उसमें पहुंचा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।